continue to the last step. To plug in. ये फीचर भी आपका अनलॉक हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको ये बताने में हेल्पफुल होता है कि भी आपकी वेबसाइट में कितने इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपने कोई एफिलिएट लिंक वगैरह लगाया हुआ है तो उसका आपको यहाँ पर दिखाएगा भाई क्या उसका वो है, और लिंक के अगर कोई सजेशन होंगे तो वो आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर ये पेज अपना प्राइवेसी पॉलिसी, ये पेज इसका डिफॉल्ट पड़ा, ये पोस्ट वाला पेज है, होम डिपार्टमेंट अबाउट रिसोर्स कॉन्टैक्ट का पेज है इसके अंदर। इसमें अगर आप सारे लिंक डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वन गो में डिलीट ऑल लिंक कर सकते हैं। पेज के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं आप यहाँ से एडिट पेज में जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा कोई भी पेज वगैरह इसके अंदर क्रॉल नहीं हुआ है। तो जो भी आपके यहाँ पर फीचर्स हैं ना वो वन बाई वन आप यहाँ देख लेना, सारे फीचर्स यहाँ अवेलेबल हैं। ऑल इन वन एसईओ पैक, ये इमेज एसईओ है, ठीक है। इमेज वाला हमने शायद डाला है कि नहीं डाला है, ये इमेज के लिए ज़रूरी है। बस आपको रेस्ट एपीआई का छोड़ के बाकी सारे डालने हैं, एसईओ प्रो, पैक प्रो, इंडेक्स नाउ ऐड ऑन, ठीक है, लोकल बिजनेस वाला, वीडियो साइट मैप, रिडायरेक्शन, न्यूज़ साइट मैप अगर न्यूज़ से रिलेटेड कोई वेबसाइट बना रहे हैं, लिंक असिस्टेंट और इमेज एसईओ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। इमेज एसईओ से मतलब हमारा क्या, जो हमने स्टैटिक साइट सीखा था ना तो उसके अंदर एक अपना ऑप्शन रहता था एएलटी, ठीक है।
आपको मैंने ऑप्शंस दिखा दिए, आप सारे ऑप्शन वन बाय वन लागे इसमें अपने ऐड कर लेंगे। ऐसे लोकल एसईओ है, इसका भी आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन, ढूंढिएगा लोकल एसईओ वाला, ये रहा। ठीक है, तो हर चीज़ का एड ऑन इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर एक आपको अच्छा ऑप्शन मिलता है, जैसे रिडायरेक्ट पर आइए। कई बार क्या था, हमारा पेज जो हम लोग बनाते हैं वो फिर बाद में, इसका भी आपको प्लगइन मिलेगा यहाँ से, अगर आप ढूंढेंगे ना तो रिडायरेक्ट के नाम से इसका भी आएगा, ये देखिए रिडायरेक्ट। तो पेज हमारा वो रहता नहीं है तो हमें इसको रिडायरेक्ट करना पड़ता है, 301 रिडायरेक्ट, 404 मंडरी, ये सारे ऑटोमेटिकली रिडायरेक्शन की भाई वेबसाइट का अगर पेज मिसिंग है तो उसको कहाँ भेजना है। तो हर चीज़ का आपको प्लगइन यहाँ पर मिलता है, वो आपको लगाना पड़ेगा अपनी वेबसाइट में या यूएसयू के अंदर। एसईओ एनालिसिस, आपको अपने कॉम्पिटिटर का पता लगाना हो तो वो आप यहाँ से जाके एसईओ एनालिसिस में पता लगा सकते हो। जैसे अभी हमारा ओवरऑल साइट का यहाँ पर क्या रहा है, कोई भी रैंक नहीं आ रहा है। क्या बोला है, वेरी गुड स्कोर इज बिटवीन 50 to 75, फॉर बेस्ट सेल यूज इट्स टाइम फॉर 70 एंड अबव। यहाँ से एनालाइज कॉम्पिटिटर साइट, कॉम्पिटिटर का नेम बताइए और यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए डाल देता हूँ arinanimationindia.com, और इसको जरा यहाँ पर चेक करते हैं क्या दिखा रहा है इसका स्कोर वगैरह, ये आ भी रहा है या नहीं आ रहा है इसके अंदर, देखते हैं। ठीक है, तो इसने इसका सक्सेसफुल लिखा है बट स्कोर में कुछ नहीं दिया इसका। कोई दूसरी साइट ट्राई करके देखो, सही है या नहीं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर इसका ना कुछ अपडेट वगैरह पेंडिंग है, तो अब लेटेस्ट अपडेट अगर इसका डालेंगे ना तो ये शायद इसकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। तो अपना पेज रन करिए जरा एक बार यहाँ पर, arinapv.hyperphp.com। अब जैसे अभी लिखा वेलकम टू डीवी हाई स्कूल, फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग का आपको स्कोर चेक करके दिखाता हूँ कि ये निकालता है या नहीं इसका। तो यहाँ पर आप देखो इसका स्कोर हमें निकल के आया कि 63 जो है ना 100 में से, तो कह रहा है कि 70-90 समथिंग होना चाहिए। अब ये कह रहा है कॉमन वर्ड, अनकॉमन वर्ड, इमोशनल वर्ड और यहाँ से पावर वर्ड, तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वर्ड काउंट अच्छा आ रहा है, कैरेक्टर काउंट शॉर्ट है, सेंटिमेंट न्यूट्रल यहाँ पर आ रहा है, इस चीज़ को बेटर बना रही है। तो यहाँ से हेडलाइन का बहुत अच्छा इन्होंने सिस्टम बना रखा है कि आप यहाँ जाके अपनी बढ़िया सी हेडलाइन वगैरह ट्राई कर सकते हो उसके अंदर कि क्या लाइन हमें रखने की ज़रूरत है इसमें, तो इसको भी देखेंगे किस तरह से काम करती है। सर्च स्टैटिक्स इसके अंदर एक नया फीचर ऐड हुआ है, न्यू लिख के आ रहा है, इसके अंदर ज़रा देखें इसमें क्या इन्होंने डाला है। ओके, तो यहाँ पर आपको इसी के अंदर ही पूरा रिपोर्ट मिलता रहेगा भाई आपके क्या स्टेट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कनेक्ट टू गूगल सर्च कंसोल, वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड हाउ योर कंटेंट इसको। ठीक है, तो डैशबोर्ड पर आते हैं ज़रा, तो देखो हमारा पेज यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब जो भी हमारे पेज वगैरह टॉप पर रैंक करेंगे या जो भी चीज़ होगी वो आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट होगी इसके नीचे। एसईओ स्टैटिक्स आपको कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, टोटल क्लिक्स, ये सारी चीज़ें, कीवर्ड कौन सा पेज जो है वो रैंक कर रहे हैं वो आपको यहाँ मिल जाएगा, कंटेंट कौन सा रैंक कर रहा है आपका। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है तो इसलिए इस तरह से आपको दिखा रहे हैं इसमें। तो जैसे हमारे पेज के ऊपर क्लिक बढ़ते जाएंगे ये चीज़ हमारी काम करती जाएगी इसके अंदर। तो ये हमने अपना कनेक्ट कर दिया है गूगल सर्च कंसोल से। इसमें टूल्स पर जाएंगे, यहाँ पर जैसे robot.txt एडिटर,
यहाँ से आपको इस फाइल में कुछ भी चेंजेस वगैरह करने हैं, आप यहाँ पर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ से आपको ओपन रोबोट डॉट टी एक्स टी जो कि हमारे यू आर एल से आपको डिस्प्ले होगा इस तरह से। तो ये वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट जनरेट करता है, ये आपका एच टी एक्सेस एडिटर होता है, इसमें हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, यहाँ से आपने क्या एक्सपोर्ट करना है, जैसे वेब मास्टर टूल आपने एक्सपोर्ट करना है, लिंक असिस्टेंट एक्सपोर्ट करना है, या रोबोट डॉट टी एक्स टी एक्सपोर्ट करना है, किसी दूसरे साइट में यूज़ करना है, उस केस में लोग यहाँ से यूज़ करते हैं। जैसे प्लगइन आपने एक्सपोर्ट करना हो कोई, तो आप प्लगइन ले सकते हैं, जैसे यूस्ट एस ई ओ, रैंक मैथ एस ई ओ, ठीक है, एस ई ओ प्रेस, अलग अलग टाइप्स के प्लगइन आते हैं। तो यहाँ से ये बैकअप बैकअप लेने के लिए, ये यहाँ पर डेटाबेस वगैरह के लिए हो गया है, इस तरह के कंट्रोल है। यहाँ पर कोड स्निप्स है, यहाँ पर डब्ल्यू पी कोड हमें इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, या यू एस यू स्निप्स लाइब्रेरी, जिसका भी शायद आपको यहाँ से प्लगइन मिल जाएगा इसमें। इसके अंदर ही इनबिल्ट है। तो अब हम लोग जरा अपने पेज का स्कोर बढ़ाने का देखते हैं कि स्कोर कैसे बढ़ाया जाए। तो जरा आप यहाँ से अपने पेज पर जाइए, ऑल पेज पर जाइए, और यहाँ से अभी आप देखने वाली सारी चीज़ इसमें लग चुकी हैं। तो यहाँ पर आपको सारे लिंक्स वगैरह दिखेंगे, आउटबाउंड इनबाउंड कितने कितने लिंक्स हैं। तो हमारा होम पेज जो है उसको आपने यहाँ से जाके एडिट कर रहे हैं। स्कोर यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ रहा है 80 समथिंग का, मैं यहाँ पर स्कोर देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपके कंटेंट में कहीं पर कमी होगी तो ये आपको नीचे बताएगा कि आपके पेज में क्या दिक्कत है। तो जैसे कह रहे हैं कि टाइटल जो आपका बढ़िया है, टाइटल में कोई दिक्कत नहीं है, वेल डन। बेसिक एसईओ के अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, ये भी अपना बिल्कुल सही जा रहा है। इसके अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन, अरेना एनिमेशन ऑफर वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज इन द फील्ड ऑफ एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स, ये हमने लास्ट क्लास ही अपना काम कर दिया था इसके अंदर। इसके अलावा फोकस की फ्रेज, ये हमारा मिसिंग है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फोकस की फ्रेज डालिए, और इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक की इसके अंदर हमें कमी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जैसे मैं डाल देता हूँ बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट, तो इसका ये रैंक दे देगा मुझे क्या रैंक कर रहे हैं। अब ये जैसे मैंने यहाँ पर डाला बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट, तो ये कह रहा है कि फोकस की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, फोकस की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, फोकस की फ्रेज लेंथ, और ये इंट्रोडक्शन, ये सभी जगह पर मैच करना चाहिए अगर आप इसको फोकस कीवर्ड बना रहे हो। तो जैसे वैसे लिखा बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट, तो ये बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इसमें कहीं पर भी डिस्कस नहीं हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको यहाँ से आगे एडिट कर देता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ अरीना एनिमेशन क्लिक। अब आप देख रहे हैं ये यहाँ पर मैच हुआ, ऊपर मैच हुआ हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका बेटर हुआ, इसको खाली एनिमेशन करें यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ भी मैच हो रहा है डिस्क्रिप्शन में, ऊपर भी आ रहा है। तो आप इसको इस तरह से डिफाइन करें अरीना एनिमेशन। अब यहाँ पर पता चला फोकस की फ्रेज इन द इंट्रोडक्शन, तो कह रहा है योर फोकस की फ्रेज डज नॉट अपेयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ, मेक श्योर द टॉपिक इज क्लियर इमीडिएटली। दूसरा सब हेडिंग्स के अंदर इसका भी जिक्र होना चाहिए, H2 H3 के अंदर फोकस की फ्रेज की डेंसिटी यहाँ पर थोड़ा सा कम जा रही है, ठीक है। तो इसको आपने इम्प्रूव करना है, तो यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ जाके जैसे वेलकम टू DB हाई स्कूल लिखा है, लिखेंगे आप अरिंडा एनिमेशन डेली, हमने इसके अंदर पुट किया। अब पहले पैराग्राफ के अंदर इसको ले आके डालो, चेक करेंगे ये पैराग्राफ है, यहाँ चेक करेंगे, अच्छा यहाँ पर भी पैराग्राफ का जिक्र है, यहाँ भी पैराग्राफ है, ठीक है।
यहाँ पर जाके आपको बताना पड़ेगा अगर इन कार्ड को हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस केस में, ठीक है। की फ्रेज मोर इन योर H2 एंड H3, एडिंग चेक करेंगे क्या है, क्या रहे क्लिक, तो ये पैराग्राफ के ऊपर लिखा हुआ है, उसको आपने यहाँ से एडिट करके H2 कर देना है, यानी कि अबाउट अरेना एनिमेशन करने के बाद आप यहाँ पर एक बार कंट्रोल एस कर लें और हम ब्राउजर में जाके ये चेक करेंगे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कौन सा, सीधे उसके अंदर जाके इसकी एंट्री बना पाएंगे।
46 का हमारा स्कोर बन रहा है इसमें। अब आप इस पेज को व्यू करेंगे, व्यू करने के बाद आपने कंट्रोल यू प्रेस करना है और इसमें हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ फाइंड करेंगे कौन सा हमारा, तो यहाँ लिखेंगे रखें पी और ये फर्स्ट पैराग्राफ हमारा बन रहा है, लेकिन ये कहाँ बन रहा है जरा हेड की क्लोजिंग चेक करेंगे। हेड हमारा यहाँ क्लोज हो रहा है, तो यहाँ हमारा जा रहा था साइट किट बाय गूगल प्लगइन रिक्वायर्स जावास्क्रिप्ट टू बी इनेबल्ड इन योर ब्राउजर। ठीक है, और दूसरा पैराग्राफ हमारा बन रहा है इसमें, शंकर यहाँ पानी भिजवा देना, पानी नहीं इसमें तो हैवी, उसमें दे दो बस। स्क्रिप्ट के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने अपने सही जगह पर अपना कीवर्ड, एक मिनट हमने अपना सही जगह पर डेटा डाल दिया, हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में गया है, इसके ऊपर और भी पैराग्राफ है नहीं। एडिट पेज पर वापस आइए, फोकस की फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ एसईओ टाइटल डजंट अपीयर। नीचे का देखो, ये आपका टाइटल ऑल गुड हो गया। एनिमेशन जैसे हमने डाला है, और अगर आप इसमें ऐड करना चाहें गेट एडिशनल की फ्रेज, तो कुछ ना पेड अकाउंट आते हैं जैसे एआईओ के साथ में ना शैमरस काम करता है आपका, ठीक है, तो आप इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट ये पेड होता है, फ्री नहीं होता है। तो यहाँ पर भी जैसे डाल सकते हैं एनिमेशन इंस्टीट्यूट एडिशनल की फ्रेज डाल देते हैं, ठीक है, तो इसको स्कोर 42 समथिंग आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा एआईओ स्कोर जो है वो ग्रीन में जा चुका है इसके अंदर। तो ये ना आपका जब 80+ जाता है ना तभी आपका ग्रीन के अंदर आता है, तो यानी कि हमारा ऑन पेज जो है वो इम्प्रूव होता जा रहा है इसके अंदर धीरे धीरे। हमने यहाँ लिखा है अरीना एनिमेशन, इसको इस तरह से यहाँ पर आप जाके लिख सकते हैं साइट टाइटल, सेपरेटर डालना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा सेपरेटर देन साइट टाइटल। आप देख सकते हैं पाइप की लग के इस तरह से हमारा प्रॉपर तरीके से ये अवेलेबल हो गया। और देखिए हमारे इसमें क्या क्या फोकस वाली चीजें एनिमेशन स्टूडेंट डाली, यहाँ पर जाके लिखें एनिमेशन इंस्टीट्यूट डाली, ठीक है। की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैच होना चाहिए,
160 से अब नहीं जाना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। ये देखिए हमारा इसका स्कोर इंक्रीज है इसके अंदर। इंटरनल लिंक, वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक इन योर कंटेंट, एड इंटरनल लिंक इन योर कंटेंट, यानी कि हमारे पेज में ऐसा कोई लिंक होना चाहिए जिससे यूजर एक पेज से दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो पाए। इसको जरा अपडेट करिए इसको। अब यहां से ऑल इन वन एसयू में जाइएगा एक बार। अब यहां पर आप देखेंगे पेजेस में एक हमारा गुड में आ गया है, बाकी चार अभी हमारे विदाउट अ फोकस की फ्रेज आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर ऑल पेजेस में जाएं, ठीक है जी, तो आप यहां देखेंगे हमारा 83 हमारा इसका स्कोर बन के रेडी हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये काम आपका ओके है। अब इंटरनल लिंक की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ से जाएंगे फिर से एडिट, इंटरनल लिंक से मतलब है कि एक पेज से दूसरे पेज पर यूजर रिडायरेक्ट हो पाए। पेज में फाइंड करिए कहीं पर अगर कोई आपके पास लिंक लगाने का ऑप्शन अवेलेबल है, तो जैसे कि यहाँ पर टीचर्स है, यहाँ पर कॉन्टेक्ट ब्लॉग है, एकेडमिक्स है, डिस्ट्रिक्ट है, तो ये आपको चेंज करने पड़ेंगे लिंक अपने उस हिसाब से। ठीक है, तो जैसे फिलहाल मैं एक अपकमिंग इवेंट है यहाँ पर और इसके ऊपर हम कुछ अपना लिंक प्लान करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिंक, हम अबाउट का डाल देते हैं। तो यहां जाएंगे पेज लिंक अबाउट, ये मैं जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए डाल रहा हूं। डिपार्टमेंट्स रिसोर्स कोई लिंक बना दें इसके अंदर जाके अबाउट एनिमेशन, इसमें जाके कॉल कर दिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि लिंक हमारा इसके अंदर क्रिएट हुआ इस तरह से। और जिस पार्ट में लोग लिंक बनाते हैं उसको लोग बोल्ड भी रखते हैं इस तरह से। तो देखिए नीचे ये पार्ट आपका रीड किया गया है कि नहीं किया गया इसके अंदर, और ऊपर से आप इसको जरा एक बार सेव वगैरह कर लीजिएगा अपडेट। Thank you.
एक्सटर्नल लिंक, नो आउटबाउंड लिंक वर फाउंड लिंक आउट टू एक्सटर्नल सोर्स। तो स्कोर बार 86 है अभी, आप फिर से आएंगे, क्लिक करेंगे इसको, वेबसाइट डिजाइन वगैरह पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। कोर्सेस, वेब एंड ग्राफिक्स, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, और इस लिंक को मैं यहाँ पर लगा दिया। फिर से अपने पेज को सेव करेंगे, यहाँ पर क्लिक ऑन अपडेट, देख सकते हैं एक्सटर्नल लिंक भी अपडेट हो गया इसके अंदर। तो अभी हमारा स्कोर जो है 89 रीच कर गया इसमें। ऐसी धीरे 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 इसके अंदर सारी चीज़ आप पूरी करते जाएंगे, ये वाला पार्ट आपका बढ़िया से रैंक कर जाएगा इसके अंदर। अब आप यहाँ से ऑल पेज पर जब क्लिक करेंगे तो आपको बाहर अपना स्कोर जो होगा रिफ्लेक्ट होगा इसमें। ये देखिए 86 है। अभी हमारा हेडलाइन स्कोर है, तो हेडलाइन स्कोर से हमारा बढ़िया हम कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा कि हेडलाइन पर कैसे काम करें, जैसे मैंने आपको हेडलाइन एनालिसिस सब कुछ बताया था। तो वाला पार्ट और हो जाएगा तो ये अपना चंगा हो जाएगा। तो इसके अंदर तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और मंडे शायद मे बी मैं 1% लीव पर रहूँगा, वैसे मेरा मैसेज आपको मिल जाएगा। किस तरह से AIO SEO की हेल्प से, यानी कि वर्डप्रेस के अंदर हमारे कुछ इस तरह के टूल मिल जाते हैं जो हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी को आसान बना देते हैं, आपने इसका इस्तेमाल करना है। मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ सभी के ग्रुप के अंदर, जहाँ से हमने इस टूल को डाउनलोड किया है, यूज़ कीजिएगा इसको। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। और ये ध्यान रखना, ऑनलाइन ही चलाना है, ऑफलाइन पे चीज़ें चलती नहीं है।